लेट्स कनेक्ट। महिलाओं का महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए कार्यक्रम, अंतरिक्ष से खेलों की दुनिया तक, दार्शनिकता से फिल्मी चमक दमक तक, मानव सेवा से मानव रक्षा तक, खास से आम महिला तक, और भी बहुत कुछ, यानी महिला संबंधी हर विषय को खुद में समेटे ये लाइव कार्यक्रम आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर, हर दोपहर 12:10 से 1 बजे तक। यूट्यूब पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के इस कार्यक्रम के लिए टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल। इसका रिकॉर्डेड वर्जन सुनने के लिए किसी भी समय टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल लेट्स कनेक्ट। तो कीजिए खुद को कनेक्ट लेट्स कनेक्ट से। दोपहर के 12:11:03 आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं AIR न्यूज ऑफिशियल टाइप करके कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट। लेट्स कनेक्ट में हर रोज हम आपके लिए कुछ अलग, कुछ नया, कुछ खास लेकर आते हैं। और आज सोमवार है, सोमवार को आप जानते ही हैं क्या आज का दिन खास रहता है करियर के बारे में। करियर की अगर हम बात करें तो करियर बहुत सारी चीजों में बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, और इतनी चीजें हैं जिसमें हम कई बार सोच भी नहीं पाते और कई बार हम जानते हैं कि हाँ इस चीज में भी करियर बनाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उसके लिए करना क्या है। जैसे एक फील्ड है जिसको हम ग्राफिक डिजाइन कहते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो अपने आप में टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, इलस्ट्रेशन, इन सबको मिलाकर या इन सब को एक जगह रख के एक इस तरह के विजुअल कम्युनिकेशन का या कम्युनिकेशन डिजाइन का एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अगर चाहें तो करियर बना सकते हैं, और उस करियर के बनाने के बाद उसमें भी आगे और बहुत सारी शाखाएं ऐसी हैं जिसमें आगे जा सकते हैं। क्या है ये ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बताने के लिए कौन बताएगा? हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि हम तो इस बात के विशेषज्ञ हैं नहीं, एक्सपर्ट्स हैं नहीं। तो जरूरी ये है कि किसी एक्सपर्ट को ही आपसे मिलवाया जाए और उन एक्सपर्ट से ही आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि ग्राफिक डिजाइनिंग एग्जैक्टली क्या है और उसमें करियर कैसे बनाया जा सकता है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ग्रोथ है, क्या स्कोप है। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ आज के लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं ग्राफिक डिजाइनर प्रिया लांबा, जो हमें बताएंगी करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। आपके साथ आज के कार्यक्रम में मैं हूं नईम अख्तर। प्रिया जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। प्रिया जी, हम शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि बात हम करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में कर रहे हैं, तो शुरुआत यहीं से करेंगे कि हमारे श्रोताओं को कम से कम ये तो पता हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे, बताइए कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। Graphic designing is something that we all are surrounded by. Yes. Basically, like as simple as the signages that we see on the roads that guide us as an audience, or something as impactful as addressing mass media, advertising on like social issues or politics, etc. ग्राफिक्स आज के उसमें मॉडर्न एडवर्टाइजिंग मीडियम्स में भी आपको पाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल मीडियम्स में भी ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न एडवर्टाइजिंग मीडियम्स, जैसे आज आप कह लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इतना फेमस हो रहा है। जैसे वेबसाइट्स हो गई, आप हर जगह उसमें ग्राफिक्स देख सकते हैं। ट्रेडिशनल मीडियम्स हो गए, जैसे हम उनको कहना चाहेंगे न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स, आप रोड पे देखें हर जगह, एवरी एरिया, एवरीथिंग, वी ऑल आर सराउंडेड बाय ग्राफिक्स। और डिजाइन क्या है? डिजाइन को हम बेसिकली एक लैंग्वेज कह सकते हैं, लैंग्वेज जो हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। डिजाइन के दो एस्पेक्ट्स हम कह सकते हैं होते हैं, स्पेसिफिकली सिर्फ एक एस्थेटिक्स एंड सेकेंडली उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। अच्छा, एस्थेटिक्स वो होते हैं कि डिजाइन दिखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, किसी को बाहर है वो किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को देख के उस पर आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है, डिजाइन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि वो आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया या नहीं। और ये पार्ट हो गया एस्थेटिक्स। अच्छा, सेकेंड होता है डिजाइन की फंक्शनैलिटी, जी, कि डिजाइन है ठीक है, बट वो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है क्या वो उस पर्पस को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा, जी, जी, और जी। वो जो ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं क्या वो उसको उसके लिए टारगेट हो पा रहा है या नहीं, ये डिजाइन का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। अच्छा,
ये हमारी बेसिकली हो गई ग्राफिक डिजाइनिंग। हाँ नहीं, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे आपने कहा कि इसके दो तरह के, जैसे एक सोशल मीडिया के लिए, एक कन्वेंशनल बोर्ड के लिए। तो सोशल मीडिया तो चलिए अभी कुछ साल पहले से ही आया है, लेकिन कन्वेंशनल जो हमारा चला आ रहा है वो तो बरसों बरस से चला आ रहा है। तो उस वक्त तो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं हुआ करती थी, सिर्फ डिजाइनिंग होती थी। तो या होती थी? होती थी, बिल्कुल। अच्छा? होती थी, बिकॉज अच्छा? ग्राफिक डिजाइनिंग में सिर्फ ये सोशल मीडिया, ये तो मॉडर्न प्लेटफॉर्म है। बिकॉज आजकल आप कोई भी ब्रांड देख लो, हर न्यू से न्यू ब्रांड, कोका कोला, एनी ब्रांड, लाइक बड़े से बड़ा ब्रांड ले लो, छोटे से छोटा ब्रांड ले लो, कोई न्यू लॉन्च ब्रांड ले लो, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, कोई भी ब्रांड ले लो, हर उसको आज के लेवल पे आने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हर ब्रांड चाहता है कि अगर हम मीडियम, अगर कन्वेंशनल उससे ट्रेडिशनल वे से अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम ऑनलाइन प्रमोशन भी जैसे चल रहा है, बिकॉज आज के यूथ को ज्यादा ये चीजें ज्यादा भाती है और ज्यादा समझ भी अपील करती हैं, ज्यादा उनके लिए अपीलिंग है ये चीजें। और जहां तक कि जो आपने पूछा कि पुराने टाइम से ये चीजें चली आ रही है, हाँ जी, ग्राफिक्स बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, साइनेजेस ले लीजिए, बोर्ड के बैनर्स ले लीजिए, बैनर्स हो गए आपके, बिल बोर्ड हो गए, फ्लायर्स हो गए, ये चीजें तो न्यूज पेपर्स में भी आप जो एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते हैं ना, जब कोई ब्रांड है वो अपना प्रमोट कर रहा है, तो न्यूज पेपर बहुत बड़ा मीडियम होता था। आज भी मीडियम है, बट आज ऑनलाइन को लोग ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा न्यूज पेपर्स में जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होती है, पोस्टर्स होते हैं, वो सब एक ग्राफिक डिजाइनर का काम है। पोस्टर्स ले लीजिए, आप लेआउट्स देखते हैं न्यूज पेपर के अंदर, कैसे आपको लगता है कि टेक्स्ट बिल्कुल बराबर है, ये सब ग्राफिक डिजाइनर के उसी में आता है। अच्छा, लेकिन ये सब जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाला, मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद कंप्यूटर आने के बाद इसके अंदर एक नया रेवोल्यूशन आया, उससे पहले भी ग्राफिक डिजाइनिंग रहती होगी, लेकिन कंप्यूटर आने के बाद इसमें बहुत नई नई चीजें आई होंगी और नए तरीके से इसको आगे बढ़ाने में आसानी भी हुई होगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है, मैं सही सोच रही हूँ कि कोई एक फर्क था, या ये अभी तक उसी तरीके से चल रहा है? नहीं, फर्क हर साल होता है, हर एक नए सॉफ्टवेयर के आने के साथ साथ चीजें बदलती हैं। जैसे कि पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसे बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज होते हैं जी, जो पहले सॉफ्टवेयर्स यूज होते थे वो एक लिमिट तक कुछ प्रोवाइड करते थे आपको फैसिलिटी, सपोजिंगली फीचर्स अलग अलग होते हैं हर सॉफ्टवेयर के। अब को ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है, उसके अंदर अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए हर रोज नए जो नए सॉफ्टवेयर आते हैं उनको समझना पड़ता है, और सारी टेक्निकलिटीज को भी ध्यान में रख के हर एक डिजाइन को बनाया जाता है। तो जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर की फील्ड में और अपडेशंस होती हैं, अपग्रेडेशंस होती हैं, उसके हिसाब से डिजाइन में भी रहती हैं ये सारी चीजें, डिजाइन में भी रहती हैं। और जब कंप्यूटर नहीं आया था तो उससे पहले भी बहुत कुछ था, बस उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती होगी। क्रिएटिविटी तो हमेशा रही है, क्रिएटिविटी हमेशा रही है। जैसे कि अब मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपने देखा प्रिंटिंग, अगर हम बात करें तो आज के जमाने में डिजिटल प्रिंटर्स हैं, फ्लेक्स प्रिंटर, बहुत इजीली प्रिंट हो जाते हैं। आपको प्रिंट चाहिए, आप दो मिनट में जाएंगे प्रिंट निकाल लेंगे। बट पहले जैसे होता था, पहले लेटर प्रेस होता था। अच्छा, लेटर प्रेस होता था, सब एक लेटर को, एक वर्ड को पूरा एक एक लेटर ज्वाइन करके प्रिंटिंग करी जाती थी। अच्छा, तो सिर्फ कंप्यूटर्स में अपग्रेडेशन नहीं आई है, इन प्रिंटिंग में, मेथड्स में भी, डिजाइन सॉफ्टवेयर पे बनाना एंड देन उसको विजुअली अपने सामने किसी प्रोडक्ट को देखना, हर एक डिजाइन है हर इंडस्ट्री में, उसमें भी बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन आई है, उसमें भी डिफरेंस आया है। पहले जैसे लेटर प्रेस के मीडियम से होती थी, अब आप पैकेजिंग ले लीजिए, पैकेजिंग भी हमारे ग्राफिक डिजाइन फील्ड का ही काम है। आपने पैकेजिंग में कितने डिफरेंस देखे हैं, पहले सिर्फ प्लेन कार्डबोर्ड यूज होते थे, प्लेन कार्डबोर्ड डब्बे वाले, जैसे आपने ओल्ड, हमने अपने बचपन में सब कुछ देखा है। आजकल आपने देखा है कि एक अगर एक बॉटल ही है किसी ड्रिंक की, एनर्जी ड्रिंक कुछ भी देख लो, आपने उसके ऊपर ग्राफिक्स देखे हैं कितने पहले। तो ये हर चीज के साथ, हर प्रोडक्ट के साथ, हर मेथड्स में भी चेंजेस आते हैं, और कुछ तो इतने अपीलिंग होते हैं कि देख करके प्रोडक्ट तो बाद में देखेंगे, पहले इसी पैकिंग ही देख लें कितनी खूबसूरत है। आप यकीन मानो इतने लोग होते हैं कि ये एक्चुअली में थ्योरी है कि आधे लोग, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, डिजाइन प्रोडक्ट की पैकेजिंग देख के खरीदते हैं। काफी लड़कियां दिखी हुई थी, बहुत क्यूट लग रहा है, हम इसे ले लेंगे। वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, डायरेक्ट मतलब पैकेजिंग, और इसका इतना ज्यादा प्रभाव कह लीजिए कि एक
सामने व्यक्ति की जब वो देखता है उसके ऊपर इतना प्रभाव होता है। हाँ। तो आप सोच लीजिए ग्राफिक डिजाइन कितनी बड़ी फील्ड है, कितनी बड़ी फील्ड है। और ये इतनी बड़ी फील्ड है जिसके बारे में अभी आपने इतनी छोटी सी बात बताई है, इसके बारे में बची हुई और बहुत सारी बातें हैं जिसको जानने के लिए हमें इसी कार्यक्रम को सुनते रहना पड़ेगा। वही कार्यक्रम जिसका नाम है लेट्स कनेक्ट और जिसे हमारे श्रोता सुन रहे हैं AIR न्यूज ऑफिशियल टाइप करके आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, अ प्रोग्राम ऑफ द विमन बाय द विमन फॉर द विमन। लेट्स कनेक्ट वो कार्यक्रम जिसे आप AIR न्यूज ऑफिशियल टाइप करके आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहें तो हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारा वेबसाइट एड्रेस है newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। आप चाहें तो हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोताओं के लिए @AIRNewsAlerts। हमसे ईमेल के जरिए जुड़ने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए letsconnect23nsd@gmail.com। करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग यह है विषय हमारे आज के कार्यक्रम का। आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ग्राफिक डिजाइनर प्रिया लांबा जी। प्रिया जी आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू। अच्छा प्रिया जी आपने ग्राफिक डिजाइनिंग को मतलब जितना अच्छी तरह से विस्तार से डिटेल से एक्सप्लेन किया है बहुत कुछ समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि कोई इस ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में आगे जाना चाहता है, पढ़ाई क्या करनी होगी उसके लिए? मतलब क्या स्कूल से ही शुरू कर देना पड़ेगा या स्कूल के बाद, और अगर स्कूल के बाद भी करना है तो कैसे करना होगा? क्या हमें क्या स्ट्रीम लेनी होगी और किस तरह की पढ़ाई जरूरी है इसके लिए? हाँ जी, सबसे पहले एक स्टूडेंट को अपने अंदर क्वालिटीज पहचाननी पड़ती है कि स्किल पहचाननी पड़ती है, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनिंग जो एक फील्ड है एक प्रोफेशनल फील्ड है एंड इसके अंदर फुल ऑफ क्रिएटिविटी है एंड दैट टू इट ऑल कम्प्राइजेस विद द स्किल। अगर आपके पास वो स्किल है, अगर आपके पास वो टैलेंट है तो आप इस फील्ड में कभी भी कैसे भी ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए जैसे स्कूल टाइम पे बच्चों को किसी को जैसे आप कह लीजिए ड्रॉइंग पसंद है तो उस फील्ड में जाना चाहता है। ग्राफिक्स के लिए मैं कहना चाहूंगी जैसे टाइपोग्राफी होती है, किसी को कैलीग्राफी बहुत बड़ी आजकल आपको फील्ड होगी, बहुत खूबसूरत आर्ट है जी, बहुत खूबसूरत आर्ट है, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है। जो लोग, मैं आपको बताऊं, जो लोग कैलीग्राफी करते हैं उनको, मैं भी कैलीग्राफी पर्सनली बहुत करती हूँ। अच्छा। तो हम उस कैलीग्राफी टेक्स्ट को जो हम हाथ से लिखते हैं, सोचिए वो पहले सिर्फ मीडियम ही था, जैसे आपने मुझसे पहले भी बात करी कि कैसे कलम से लिखोगे कागज पर, हाँ जी, अब उसको लिख के आप उसको स्कैन करके यूज कर जा सकते हैं। आप देखिए लोग आजकल ब्रांड्स क्या करते हैं, पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग में सारे फॉन्ट्स और ये सब कैलीग्राफी यूज करी जाती है। जी जी जी, इवन हमारे फोन मोबाइल फोन तक के अंदर डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, और इसे हम खूबसूरत तरीके से लिख करके किसी को भी कुछ भेज सकते हैं और वो अच्छा लगता है। हाँ जी बिल्कुल वैसे ही होता है। तो इस फील्ड के लिए बेसिक 12th तक आप कर सकते हैं। इस फील्ड में आपके लिए पास ऑप्शंस होते हैं, ग्रेजुएशन आप इसके अंदर कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आप इसके अंदर कर सकते हैं, और इसके अंदर आते हैं बहुत सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं 11 months to 1 year तक। अच्छा। एंड जो ग्रेजुएशन होती हैं कुछ कॉलेजेस में 4 year प्रोग्राम होता है। अच्छा, 12th के बाद। 12th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो 4 year प्रोग्राम है। 4 year प्रोग्राम लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का होगा। हाँ जी। 4 year इज फॉर ग्रेजुएशन एंड अगर आप उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो वो 2 year प्रोग्राम होते हैं। ठीक है। ग्रेजुएशन में जो ग्रेजुएशन का 4 year प्रोग्राम है दैट इज वो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग पे ही नहीं सीमित, उसमें और भी फील्ड्स होती हैं। वो पूरा कम्युनिकेशन डिजाइन का होता है। लाइक और भी फील्ड्स आती हैं। तो उसमें एनिमेशन आपको पता है, जैसे ग्राफिक्स तो सिर्फ एक वेक्टर और सिर्फ उसमें आ गया, बट जैसे ग्राफिक्स में भी बहुत सारी फील्ड्स अंदर आती हैं। तो उसके अंदर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम पे और ज्यादा सीखने को आपको मिलता है। जब सोचिए आपके पास 4 साल है एक फील्ड को समझने के लिए तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। सही बात है जी। बट आप जो फिर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बाहर आपको किसी और कंट्री में करने के लिए एक थोड़ी जो मेन इम्पोर्टेंट चीज रह जाती है वो ये है कि
बाहर के ज्वाइन करने से पहले आपको इंडिया में कुछ उस फील्ड में अपना शो करना पड़ता है, पोर्टफोलियो आपको दिखाना पड़ता है. आपको यहाँ पे एक चाहे आप एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, कुछ भी एक बेसिक आपको होना चाहिए कि आप इस फील्ड से थोड़े टाइम से जुड़े हुए हैं और आप आगे और पढ़ना चाह रहे हैं. ओके. सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी इस फील्ड का बहुत स्कोप है पढ़ाई के लिए. लेकिन जैसे आपने बताया कि सर्टिफिकेट कोर्स होता है या ग्रेजुएशन कोर्स होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, लेकिन सर्टिफिकेट मतलब ग्रेजुएशन कोर्स का मतलब हुआ डिग्री, है ना? तो सर्टिफिकेट और डिग्री के बीच में क्या कुछ डिप्लोमा नहीं होता है? इनके बीच में कुछ होना चाहिए वैसे. नहीं, डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं उनको डिप्लोमा ही कंसिडर करा जाता है. अच्छा? इस फील्ड में. हाँ जी. ओके. प्रोफेशनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स, इनका फुल नेम ऐसे ही होता है. अच्छा अच्छा. मतलब अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है दैट मीन्स यू आर अ डिप्लोमा होल्डर एंड प्रोफेशनल एज वेल. ओके. एंड प्रोफेशनल. ओके. एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू मूव टू फॉर डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन करके. नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप सपोजिंगली बहुत बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन डिग्री सपोजिंगली किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या वैसे किसी और फील्ड में, कॉमर्स में, साइंस में, किसी और फील्ड में करना चाह रहे हैं और उसके बाद उनको अपने अंदर ये लगता है कि हमारे अंदर ये इंटरेस्ट कैलिबर है, हम इसको ये कर सकते हैं, उसके बाद भी आप चूज कर सकते हैं, इससे कोई नहीं है. आपने अगर ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में करी है, कॉमर्स में या साइंस में, तो आप उसको कम्प्लीट करिए. मतलब ह्यूमैनिटीज हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं. हाँ जी. ठीक. किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड, नो मैटर आप साइंस हो, कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, ये जो कोर्सेज हैं ये सारे रेगुलर ही होते होंगे? हाँ, इसमें तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस का स्कोप नहीं होगा? नहीं. है ना, इसके लिए प्रैक्टिकल रेगुलर, या बिकॉज ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है काफी. जब तक आप रोज जाके उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं सीखेंगे, करेंगे नहीं, आप घर पे बैठ के कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं आ सकता, बिकॉज ये सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं मिल ले सकते. किताबों से आप पढ़ सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो, बट जब तक आप जाके लैब्स में करोगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगा. ओके. ओके. अच्छा, और ये जब आप कोर्स कर रहे होते हैं, जो बच्चे जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जब ये वाला कोर्स कर रहे होते हैं, तो उसमें उनको अपने फील्ड के जो एस्टैब्लिश ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनके कांटेक्ट में आकर के उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता होगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है. ये आपका डिपेंड करता है कॉलेजेस पे. कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जैसे कि वो अपने सीनियर्स को, प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं सेमिनार्स के लिए, विजिटिंग फैकल्टी के लिए नहीं, बट सेमिनार्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए. अच्छा अच्छा अच्छा. तो वो आते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, बच्चों को इससे और ज्यादा सीखने का जरूर मौका मिलता है. कॉलेजेस के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो तो अपने फील्ड में बहुत ज्यादा काम कर चुके होते हैं इंडस्ट्री का, उनको काफी नॉलेज होता है, बट जो और सीनियर्स होते हैं उनको भी वर्कशॉप्स के लिए बुलाया जाता है बच्चे, ताकि और सीखें और समझें कि हम कॉलेज में कैसे काम कर रहे हैं, बाहर इंडस्ट्री का क्या रिक्वायरमेंट है उनके, क्योंकि एक कॉलेज में सीखना और इंडस्ट्री में वर्क करना बहुत डिफरेंट, बिल्कुल अलग अलग चीज है. आप यहाँ पे कॉलेज में फिर आप कह सकते हैं कि गलती का स्कोप होता है. आप गलती करते हैं, आप सीखते हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं, बट इंडस्ट्री लेवल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, सबका तरीका अलग होता है. तो उस लेवल पे जाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो मेन है प्रैक्टिस. जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आप अपने अंदर पर्सनल स्किल है, ये तो बात ही पूरी पर्सनल स्किल है. आप जितना इम्प्रूव करेंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड उतना आप सक्सेस पा सकते हैं इस फील्ड में. अच्छा, ये बताइए मुझे प्रिया जी कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं ये महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही हैं या छोटे शहरों में भी हैं? क्योंकि मुझे इस बात का तो यकीन है कि रूरल एरियाज में तो ये नहीं होंगे. नहीं है ना, छोटे शहरों में भी हैं क्या? नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये नहीं है. अच्छा. छोटे शहरों में ज्यादातर नहीं है. मेन कुछ कुछ शहरों में होंगे, कुछ कुछ शहरों में कह सकते हैं, बट आप यही देखिए ना, जैसे सीखने की बात है, आप कुछ भी सीखना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि हम बेस्ट कॉलेज से सीखें, तो जब वो रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आपको सिटी टू सिटी मूव करना ही पड़ता है नॉलेज के लिए. अब कुछ कॉलेजेस हैं उनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं हर सिटी में, हर अपनी जयपुर ले लीजिए आप, मतलब काफी कॉलेजेस हैं जयपुर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, हर जगह इतना उन्होंने वास्ट अपने ब्रांचेस इंक्रीज कर दी है. तो रूरल एरियाज में मैं कहूंगी नहीं कि आपको उस तरह के प्रोफेशनल्स मिलेंगे सिखाने के लिए, एंड मैं ये भी कहूंगी कि स्कोप शायद
शायद रूरल एरियाज में थोड़ा कम है, कम ही होगा, क्योंकि जब स्कूल कॉलेजेस नहीं है इस चीज को सिखाने के लिए अगर ज्यादातर, तो फिर आप सोचिए इसमें काम करने का स्कोप भी नहीं है। ज्यादातर फिर मुझे लगता है कुछ इस तरह से ना हो कि अगर रूरल एरियाज में, ये तो पता है कि बच्चे सीखने में तो इंटरेस्टेड होंगे, तो एक दुकान खोल के बैठ जाओ, बच्चों के इंटरेस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर लो, थोड़ा पैसा बना लो। लेकिन अगर बच्चों को सच में सीखना है, उनके पेरेंट्स को सिखाना है, तो उन्हें एक अच्छे कॉलेज को ढूंढना ही चाहिए और उसी में एडमिशन लेना चाहिए। ये एडमिशन लेने वाली बात तो हो गई, लेकिन एडमिशन लेकर के कहां जाएंगे ये बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स कनेक्ट अ प्रोग्राम ऑफ द वुमन बाय द वुमन फॉर द वुमन। करियर, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, लीगल इश्यूज, फिलोसफी, ब्यूटी, फैशन, लिटरेचर और भी बहुत कुछ, यानी महिला संबंधी हर विषय को खुद में समेटे ये लाइव कार्यक्रम आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हर दोपहर 12:10 से 1 तक YouTube पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के इस कार्यक्रम के लिए टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल और इसका रिकॉर्डेड वर्जन सुनने के लिए किसी भी समय टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल। लेट्स कनेक्ट, तो कीजिए खुद को कनेक्ट, लेट्स कनेक्ट से। दोपहर के 12:31:07 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल टाइप करके सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट करने के लिए हिंदी के श्रोताओं को हम अपना वेबसाइट एड्रेस बता दें, newsonair.com/hindi और उर्दू के श्रोताओं के लिए newsonair.com/urdu। ट्विटर पर हमें फॉलो करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल हिंदी के श्रोताओं के लिए है @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोताओं के लिए @AIRNewsAlerts। और हमसे ईमेल के जरिए जुड़ने के लिए ईमेल आईडी है हमारा letsconnect23nsd@gmail.com। आपके साथ मैं हूं आज के लेट्स कनेक्ट में नईम अख्तर और हम बात कर रहे हैं आज करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में ग्राफिक डिजाइनर प्रिया लांबा से। प्रिया जी एक बार फिर से स्वागत। अच्छा प्रिया, आप ये बताइए कि ग्राफिक डिजाइनिंग आपने बता दी और पढ़ाई इसकी कैसे की जा सकती है, कहाँ की जा सकती है, इसके बारे में भी एक विस्तार से जानकारी दे दी। जो भी हमारी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी उनके लिए एक बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन तक पहुंच गई है। लेकिन उसके बाद पढ़ाई कर ली, अब क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें और किस हद तक ग्रोथ है इस, अगर इसको एज अ करियर अपनाया जाए तो। डिजाइन इंडस्ट्री एक अपने आप में ही बहुत ग्रोइंग फील्ड कहलाती है। जैसे आप इंडिया में ही बहुत ज्यादा स्कोप है ग्राफिक डिजाइन का, सिर्फ आपने देखा होगा इंडियन डिजाइनर्स हॉलीवुड में जाके बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। अच्छा है। हाँ जी, तो आप सोचिए इंडिया तो है ही ग्रोइंग इंडस्ट्री ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए और हर डिजाइन फील्ड के लिए, बट बाहर जाके भी उन्होंने हॉलीवुड सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम किया है। अब्रॉड में आपने देखा है, मूवीज में देखते हैं आप, VFX देखते हैं, ये सब एक डिजाइनर का काम होता है। तो आप सोचिए कि अगर मूवीज में जो लोग काम करें उनके लिए कितना स्कोप है। शुरू में जब हमने की ग्राफिक डिजाइनिंग फिल्मों में आई थी तो हम बड़े हैरान होते थे, अरे ये कैसे हो गया यहाँ पर, इतनी दूर से ये कैसे चीज पलटती है यार, तो वो हमें तब समझ में नहीं आता था। लेकिन ये जैसे जैसे बात बढ़ी आगे तब समझ में आया ग्राफिक डिजाइन है। हाँ जी, ये सब उसी फील्ड का पार्ट है। और ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल, जैसे हमारी हम कहते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी अगर तो सिर्फ मेल्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है या वो लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल्स के लिए भी उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में। डिजाइन इंडस्ट्री में फीमेल्स ने बहुत टाइम से काम किया है। अच्छा, सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल्स बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं इस फील्ड के अंदर। तो आप तो उस हिसाब से मतलब कुछ ऐसे बैरियर्स तो नहीं है कि ये काम ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में मेल्स बेटर कर सकते हैं और विमन थोड़ा कम उसमें, या उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, या उनके कैलिबर से, उनके सामर्थ्य से बाहर की बात नहीं है? मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे कि कहीं पे भी इतनी जगहों पे कि ज्यादा जितनी भी हर ब्रांड में हर कंपनी के अंदर फीमेल डिजाइनर्स आपको ज्यादा मिलेंगी। अच्छा। हाँ जी, आपको फीमेल डिजाइनर ज्यादा मिलेंगी क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है सिर्फ
आपको एडुकेशन लेने से नहीं आएगी। हाँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके अंदर पर्सनल एक स्किल होनी चाहिए, एक टैलेंट होना चाहिए, पर्सनल क्रिएटिविटी आपको इस फील्ड में। हाँ, वो शायद महिलाओं में थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि वो इमोशनल होती हैं और उनके पास दिल भावनाएं ज्यादा होती हैं, तो वो अपनी भावनाओं को अपने काम में भी डाल देती हैं। ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कि अब मैं कहना चाहूंगी कि ग्राफिक डिजाइनिंग आप ने ले लीजिए, ये आप हर फील्ड में ग्राफिक डिजाइनर्स आपको मिलेंगे ही, चाहे आप अपैरल इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे आप ज्वेलरी डिजाइन ज्वेलरी इंडस्ट्री में चले जाएं। अच्छा, आप अपने ऑल इंडिया रेडियो में ही देख लीजिए, यहाँ पे भी आप प्रमोशन जो करते हैं सब ग्राफिक डिजाइनर का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम जो अभी हम अभी तो लाइव जा रहा है, और लाइव जाने के बाद इस कार्यक्रम को कभी भी हमारे श्रोता अगर चाहें तो AIR न्यूज ऑफिशियल लेट करेक्ट करके डालेंगे और जब उसको सुनेंगे उसमें सारी खुल जाएंगे। उसमें जब किसी भी प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो शुरुआत जो होगी वो हमारे लोगों के साथ होगी, लेकिन उसके बाद फिर वो एक एक डिजाइनर जो पैटर्न आता है एक है ना, वो शायद ग्राफिक डिजाइनिंग का खेल है। जो आप जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो सारा एक डिजाइनर का ही काम है। वीडियोस को बनाना, आप किस फुटेज लेना, यहाँ से सारा डेटा कलेक्ट करना और उसको एक अच्छे से एस्थेटिकली अच्छे देखे, जो चीज अपीलिंग लगे, ये सब एक डिजाइनर का काम है। आप ब्रांड्स क्या करते हैं, आते हैं अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ये एक प्रॉब्लम का डिजाइन मैं कहना चाहूंगी सोल्यूशन है किसी भी एक प्रॉब्लम का। जैसे कि हमारे पास डेटा है, हम उसको कलेक्ट करके कोई डिजाइन बना रहे हैं जिसका फंक्शनैलिटी भी होती है, जिसके अंदर मीनिंग होता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जो देखने वाले को अपीलिंग भी लगे और समझ भी आए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फीमेल्स ज्यादा क्रिएटिव भी हैं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हैं। ये फील्ड कॉम्पिटिटिव जरूर है, चैलेंजिंग जरूर है, बट इक्वली फॉर बोथ मैन एज वेल एज फॉर वीमेन। और चैलेंजेस जहाँ होते हैं वहीं काम करने का ज्यादा मजा भी आता है ना जी। हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए जी, बिल्कुल। तो ये आपने जो बताया अपॉर्चुनिटीज में के ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी हो सकता है, जैसे आपने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में भी हो सकता है, प्रिंट मीडिया में भी हो सकता है, और कहाँ कहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग के स्कोप हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग के स्कोप की अगर हम बात करें, एक ब्रांड में जो न्यू लॉन्च हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग ब्रांच है, ब्रांड है। अब अगर हम ब्रांडिंग की बात करें, आप एक नया कंपनी खोलने जा रहे हैं, न्यू ब्रांड खोलने जा रहे हैं, ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है? ब्रांडिंग का मतलब है कि ब्रांड का फेस ऑफ द ब्रांड, कि ब्रांड कैसा दिखेगा, लोग उसको कैसे परसीव करेंगे, लोगों को देख के उसको क्या समझ आएगा। आप एक ब्रांड का लोगो देखते हैं, किसी ब्रांड का आप लोगो अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए। अब मैं कहना चाहूंगी जैसे कि लोगोस में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। ब्रांड आपका अगर बहुत स्ट्रांग ब्रांड है, जैसे कि बहुत मैस्कुलिन चीज आप कुछ प्रमोट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स आपने डिफरेंट ब्रांड्स देखे हैं, कुछ फीमेल ओरिएंटेड ब्रांड्स हैं, कुछ मेल ओरिएंटेड हैं। जैसे कार्स देख लीजिए, आपने कार्स के लोगो देखे हैं, कितने सिंबल होते हैं, कितने सिंपल होते हैं, बट आपको मीनिंग पूरा समझ आता है लोगों को देख के। आप एक ब्रांड को आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, उसमें ब्रांडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, लोगोज होते हैं, आप उसको देख के एक अपने माइंड में ख्याल आ जाता है आपके कि मुझे ये लेना है, मुझे ये वाला नहीं लेना। आपने बहुत बार देखा होगा, इसको हम ट्रस्ट कहते हैं कि आपकी ब्रांडिंग ऐसी होनी चाहिए, आपका लोगोज ऐसे होने चाहिए, आपकी पैकेजिंग सब ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट हो कि जो हम चीज खरीद रहे हैं वो उनके लिए सही है, वो उससे उनका भला होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि ये सब ग्राफिक डिजाइन का पार्ट है, एक ब्रांड को शुरू से बनाना और उसके लिए लोगो किसी भी फील्ड में हो सकता है। जैसे ब्रांड को न्यू बनाना और एग्जिस्टिंग ब्रांड्स में भी आपने देखा है, अब कुछ ब्रांड्स होते हैं बहुत टाइम से एक लोगोस चल रहा है, थीम चल रही है, उसको चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रांड या उसका जो डिजाइनिंग है या उसका जो एडवर्टीजमेंट का तरीका है वो इतना फेमस होता है कि बरसों बरस 20-30-40-50 साल बाद भी वो सेम रहता है, क्योंकि वही अपने आप में पहचान बन जाता है। तो यानी कि वो इतना जबरदस्त तरीके से बना है कि उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। जी, वो भी है। आपने जैसे देखा होगा, आप अगर जैसे अभी कोई एडवर्टीजमेंट चल रही है,
आप उसको देख नहीं रहे पर सिर्फ उसकी ट्यून या जिंगल ब्रांड के होते हैं, आप उसको देख के समझ आते हैं कि उसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, उस ब्रांड की एड चल रही है। जैसे हमारे आकाशवाणी से ही है कि हमारे आकाशवाणी से कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट होगा या कुछ होगा तो उसमें हमारी एक होता है टिंग टिंग टिंग, तो जैसे वो टिंग 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 सुनाई देता है एकदम समझ में आ जाता है अच्छा ये कोई एडवर्टाइजमेंट है, उसको हम गोंग बोलते हैं, लेकिन ये एक तरह से पहचान आइडेंटिटी होती है। और एक ब्रांड की स्ट्रांग आइडेंटिटी बनाना बहुत सारे सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर ही नहीं और भी बहुत डिजाइनर्स होते हैं जिसके अंदर शामिल होते हैं कि एक ब्रांड की ऐसी आइडेंटिटी बने कि वो अपने आप को मार्केट में अच्छे से स्टैंड कर पाए और लोग उसको पहचान पाए, लोग उसको खरीद पाए। अब आपने ऐसे ब्रांड से कुछ लोगों देखते हैं, आप देख के पहचान जाते हैं ये उसका लोगो है, ये वो ब्रांड है। आजकल आपको पता है इतनी अच्छी तरह से उसकी पब्लिसिटी की जाती है कि कई बार तो नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, नाम नहीं लिखा होता लेकिन लोगों को पता होता है कि उसका एडवर्टाइजमेंट है। ओके, ये ग्राफिक डिजाइनर का काम है। ओके, काम तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी ये इंटरेस्टिंग बात का सिलसिला जारी रखने के लिए हमें 20 मिनट और अपने श्रोताओं के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। सुनते रहिए, लेट्स कनेक्ट। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, महिलाओं का महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए कार्यक्रम। बारह बजकर 40 मिनट 40 सेकेंड आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर महिला संबंधी कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, जिसे आप न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल टाइप करके सुन रहे हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का पता नोट कर लीजिए, newsonair.com/hindi हिंदी के श्रोताओं के लिए और newsonair.com/urdu उर्दू के श्रोताओं के लिए हमारी वेबसाइट का पता है। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए हिंदी के श्रोताओं के लिए ट्विटर हैंडल है @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोताओं के लिए @AIRNewsAlerts और हमें ईमेल कर सकते हैं letsconnect23nsd@gmail.com पर। बात कर रहे हैं आज हम करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में ग्राफिक डिजाइनर प्रिया लांबा से, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर। प्रिया जी, प्रिया ये बताइए कि ग्राफिक डिजाइनर्स के इनफैक्ट आपने इतने सारे काम बताए और जो आपसे हमें समझने को मिला है वो ये कि इसका जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत दूर तक, जहां कई बार हमारी शायद कल्पना इमेजिनेशन भी ना पहुंच पाती हो वहां भी इस फील्ड में काम किया जा सकता है। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर अगर कोई बन गया ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये पढ़ाई कर ली, उसके बाद क्या इसी पढ़ाई को आगे लेके प्रैक्टिकली अपने करियर में आगे बढ़ा जा सकता है या इसमें भी अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग जगह और जाया जा सकता है, इसमें भी कुछ और स्कोप है क्या? जी, इसमें बिल्कुल स्कोप है। और आप ग्राफिक डिजाइन का कोर्स करने के बाद या तो आप किसी ब्रांड के अंदर, किसी कंपनी के अंदर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी के अंदर ज्यादातर जो होता है ब्रांडिंग में काम होता है। ब्रांडिंग जैसे मैंने क्या आपको बताया अभी, फेस ऑफ द ब्रांड कह सकते हैं, एंड एडवर्टाइजमेंट में काम होता है। जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो ज्यादातर चाहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में काम कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का तो काम ही यही है कि ब्रांड्स को लाना, उनको प्रमोट करना। और प्रमोट करने में ग्राफिक डिजाइनर का सबसे ज्यादा हाथ जाता है, क्योंकि ग्राफिक एडवर्टाइजिंग के जितने भी मीडियम्स होते हैं हर मीडियम के अंदर एक ग्राफिक डिजाइनर की आपको नीड हो सकती है। ओके, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि न्यूज़पेपर्स ले लीजिए या सोशल मीडिया ले लीजिए, ये सारा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर काम हो सकता है। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं जो उनको आउटसोर्सिंग कहते हैं, बेसिकली आउटसोर्सिंग जो ब्रांड्स करते हैं एंड वो उनके लिए पूरा प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके संभालते हैं और साथ में ट्रेडिशनल मेथड से प्रमोशन भी पूरा चलता है, बैनर्स और ये सब होता है। और ये सब सारा हमारा एक डिजाइनर का काम है। तो एक आपके पास ऑप्शन है कि आप एजेंसी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसमें और पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ग्राफिक डिजाइन के अंदर फील्ड्स ऐसे होती हैं जैसे कि आप ले लीजिए एनिमेशन वीडियोस होती हैं, आपने देखा है कि बच्चों के कार्टून्स होते हैं, ये सब एक डिजाइनर का काम है। तो उस हिसाब डिजाइनर का काम है या ग्राफिक डिजाइनर का? नहीं, आप ग्राफिक डिजाइन कोर्स करते हैं उसमें आपको हर फील्ड की एक एक लिमिट तक, एक एक सीमित
आपको नॉलेज दी जाती है, लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए आपको उनमें से किसी और में आगे जाना होता है। जी, जैसे कि अगर आपने ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर रहा है तो आप बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे कि एक एस्पेक्ट ये हो गया, जब आप ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर रहे हैं उसके मॉड्यूल्स में ये भी आता है कि एनिमेशन वीडियोज होती हैं, जो मैंने आपको बताया बच्चों के कार्टून्स होते हैं, 3D होते हैं, 2D होते हैं। अगर आप आगे जाना चाहें तो आप एक मोशन डिजाइनर, इसे मोशन डिजाइनर कहा जाता है, ग्राफिक डिजाइनर ही आगे मोशन डिजाइनर, ओके। अब जैसे कि आपने बहुत लोग देखे हैं वो मोशन डिजाइनर भी हैं, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, तो दोनों साइमल्टेनियसली आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइन की डिग्री लेने के बाद आप इसमें एनिमेशन में आगे जा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर भी देखो ये बात है, आपने कोर्स ज्वाइन किया जी, आपने 5 चीजें सीखी, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना, मुझे ये 2 अच्छे लगते हैं, बस वही बात है। तो आप आगे उन 2 को चुन के उनमें आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि अब वेब डिजाइनिंग है, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग का ही पार्ट है, वेबसाइट बनाना। जी जी जी। जैसे अब हम ब्रांड्स के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो वेबसाइट्स में अब जैसे अगर आप चाहें तो सीधा आगे और वेबसाइट डिजाइनिंग में जाके उसके अंदर पूरी स्पेशलाइजेशन और ले सकते हैं। अच्छा। ताकि आप उसमें भी देखो एस्पेक्ट्स होते हैं, कोडिंग होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर से कोडिंग जो मतलब जितना मुझे मेरी नॉलेज है वो एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है, तो कोडिंग जो होती है वो शायद स्टैटिक में होती है। हाँ जी, इस तरह कुछ करके होता है। तो ऐसा बिल्कुल होता है ऐसा। तो आप जैसे कि किसी को वेबसाइट में अगर आगे जाना है, जी जी। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद आपके पास जैसे मैं कहूँ वेबसाइट डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं, ठीक है। किसी को मोशन एनिमेशन वीडियोस में इंटरेस्ट है कि आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि स्टिल पोस्ट से ज्यादा आज के जमाने में लोग वीडियो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, वीडियोज हो गए या फिर बहुत है ना, प्रमोशन में काफी यूज हो, जिप्स बहुत यूज हो रहा है, आप व्हाट्सएप पे देखते हैं कितना यूज हो रहा है, इंस्टाग्राम पे, ये सब एक डिजाइनर का काम है। जी जी जी। तो इसमें आप मोशन डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं आगे। डिजाइनर में इसमें जैसे हम बुक्स होती है, बुक्स की लेआउटिंग होती है, ये सब ग्राफिक डिजाइनर करता है। अच्छा। तो जी, अगर आप चाहें तो लेआउट डिजाइनर भी बन सकते हैं। अच्छा, ओके। कि आपको जैसे इंटरेस्ट है, आपने 5 चीजें पढ़ी, आपको 2 चीजें अच्छी लगी, आप उनको और पढ़ के आगे जा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ आप पूरे टाइम सिर्फ लेआउटिंग पे ध्यान दीजिए, लेआउटिंग करें बुक्स की, उसमें अपनी एक्सपर्टीज बनाइए। उसमें आपने किड्स की बुक्स देखी है बच्चों की, उसमें कितनी प्यारी इलस्ट्रेशंस होती हैं, इलस्ट्रेशंस भी होती हैं, और आजकल तो वो 3D बुक्स भी आने लग गई हैं। बिल्कुल। तो वो भी क्या इसी से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल। अरे वाह, वो तो बहुत महंगी किताबें भी होती है ना, अगर बच्चों को आप गिफ्ट करने चले तो आप सस्ते में नहीं जुड़ सकते। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। तो इसके बाद आप एक इलस्ट्रेटर भी बन सकते हैं। इलस्ट्रेटर होता है आप जो वेक्टर्स कह लीजिए, जैसे कि मैंने आपको किड्स की बुक्स का बताया, तो उसमें जो भी ड्राइंग्स कह लीजिए, बेसिक लैंग्वेज में कहूँ तो ड्राइंग्स और होती है, ये सब एक इलस्ट्रेटर बनाता है। जी जी। तो एक ग्राफिक डिजाइनर पहले बनी है आप, उसमें आप इलस्ट्रेटिंग की भी कर सकते हैं। लेआउटिंग हो गया डिफरेंट, लेआउटिंग में आते हैं जैसे कि कौन सा मैटर किधर अच्छा लग रहा है आपको, इलस्ट्रेशन किधर आनी चाहिए, किधर पेज नंबर आना, वो लेआउटिंग है। ओके। और उसमें जो ड्राइंग्स कह लीजिए और जो अच्छे अच्छे आपको ग्राफिक्स दिखते हैं, वो सब एक इलस्ट्रेटर का काम है। तो आप इलस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप लेआउट डिजाइनर बन सकते हैं, आप वेब डिजाइनर बन सकते हैं। वेब डिजाइनर के अंदर सिर्फ वेबसाइट नहीं आती, इसमें एप्स भी आती हैं। ओके। जो आप अपने फोन पे रोज एप्स इतनी यूज करते हैं, और हर चीज के लिए आप एप्स के लिए नए एप्स बने हुए होते हैं, तो आप एप्स की डिजाइनिंग भी एक इसका पार्ट है वेब डिजाइनिंग में। आप इसमें एप्स भी जा सकते हैं। आप इसके बाद जैसे कि अपैरल इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहें तो क्लोदिंग में आपने देखा है पहले आते थे सिर्फ प्लेन क्लोदिंग ज्यादा तो लोग प्रेफर करते थे, प्लेन प्रिंटेड फ्लावर्स और ये, बट आजकल आपने देखा है कि क्लोदिंग में टी शर्ट्स में बच्चों की जो ग्राफिक्स बने होते हैं वो अमेजिंग लाइक वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर, वो भी एक न्यू फील्ड आप कह लीजिए। जो ये देखिए, ये ग्रोइंग की हम पहले बात कर रहे थे कि कितना स्कोप है, तो आप देखिए जैसे अपैरल इंडस्ट्री में जो अगर ग्रोथ हुई है तो ग्राफिक डिजाइनर की नीड उधर भी कितनी आ गई है। आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आजकल जैसे मीम्स होते हैं वो सब
जैसे टी शर्ट्स पे लिखते हैं, किस पे कार्टून बनाते हैं, तो ये सब टी शर्ट डिजाइनिंग में भी आप जा सकते हैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू। और उसे बड़े अच्छे अच्छे कोर्स भी लिखे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप सड़क चल रहे हैं सामने से कोई आ रहा है तो बिना पढ़े आप रह नहीं सकते, अपने आप को नजर चुरा नहीं सकते। अच्छा, और जो इलस्ट्रेशन की आपने बात करी, इलस्ट्रेशन भी सिर्फ बुक्स में ही हो ऐसा नहीं है, और भी कई जगह इलस्ट्रेशन होती है। आप मेट्रो ट्रेन में चले जाइए, किसी चीज का एडवर्टीजमेंट है उस पर इलस्ट्रेशन है, बाहर कहीं कोई बैनर लगा हुआ है, कोई बोर्ड लगा हुआ है ना, सब चीजें हर जगह इलस्ट्रेशन बनती है, बैनर्स, बोर्ड, पोस्टर्स, सोशल मीडिया जो मैंने आपको बताया। आजकल सबसे ज्यादा मेथड ही अपीलिंग बहुत लगता है, आप वेक्टर्स आप देखेंगे उसमें इतने अच्छे इलस्ट्रेशन बनाते हैं, और वो इलस्ट्रेशन आप सिर्फ यूज कर सकते हैं हर मीडियम में, और उसके साथ भी आप उसके बाद उसके जिप्स भी बना सकते हैं। तो आप एक इलस्ट्रेटर सपोजिंग है हम आपके पास, तो आप उसमें उस दो फील्ड्स में जा सकते हैं। हाँ, सिर्फ इलस्ट्रेटर भी अगर एक मतलब कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन, या अगर आप स्पेशलाइज हो गए किसी चीज में तो उसमें भी आ गया, उसमें भी आगे होने का हमारे पास जो स्कोप है अभी और 10 मिनट बात करने का, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा प्रिया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर कार्यक्रम लेट्स कनेक्ट, अ प्रोग्राम ऑफ द विमन बाय द विमन फॉर द विमन। अ प्रोग्राम ऑफ द विमन बाय द विमन फॉर द विमन, एक ऐसा कार्यक्रम जो महिलाओं का, महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए कार्यक्रम है, आप ही के अपने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के यूट्यूब चैनल पर। महिलाओं के इस कार्यक्रम को आप AIR न्यूज ऑफिशियल टाइप करके सुन सकते हैं, और अगर हमारी वेबसाइट विजिट करना चाहें तो हिंदी के श्रोताओं के लिए हमारा वेबसाइट का पता है news.air.com/hindi, और उर्दू के श्रोताओं के लिए news.air.com/urdu। ट्विटर पर हमें फॉलो करने के लिए हिंदी के श्रोता हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi और अंग्रेजी के श्रोता @AIRNewsAlerts को भी फॉलो कर सकते हैं, और हमसे ईमेल के माध्यम से जुड़िए। ईमेल आईडी है letsconnect23nsd@gmail.com। बात कर रहे हैं हम करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, ग्राफिक डिजाइनर प्रिया लांबा से। मैं हूं नईम अख्तर, और हमने क्योंकि कहा था प्रिया कि अभी हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें और हैं, तो हमारे पास तो नहीं आपके पास हैं, क्योंकि हमारे पास होते तो हम अकेले बैठ के कार्यक्रम कर रहे होते। बताइए और क्या क्या इसमें क्या क्या स्कोप है। तो वेबसाइट मैंने बताया, वेब डिजाइनिंग, लेआउट डिजाइनिंग, इलस्ट्रेटर, देन आप उसके बाद एक लोगो डिजाइनर भी बन सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ लोगो डिजाइनिंग में स्पेशलाइज करते हैं। अच्छा। अपनी सिर्फ उनका काम ही यही है ब्रांड्स को प्रमोट कर, ब्रांड्स की एक अच्छी और एक बहुत अपीलिंग आइडेंटिटी बताना। ठीक है, जैसे आपने देखा है ब्रांड अगर लॉन्च हो रहा है, अगर वो लोगों के नहीं साथ लॉन्च हो रहा है तो आपको कोई पॉइंट अधूरा लगेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि एक ब्रांड के लिए लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह से कि जैसे एक कंट्री के लिए उसका फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहचान कैसे होगी कि कौन सी कंट्री का फ्लैग है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगो की बिल्कुल उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी एक कंट्री की फ्लैग के लिए। जी, तो उसके लिए आप सिर्फ लोगो डिजाइनर भी बन सकते हैं, आप उसमें स्पेशलाइजेशन करिए, ब्रांड्स के लिए लोगोस बनाइए, उनकी आइडेंटिटीज बनाइए, ग्राफिक डिजाइनर एंड लोगो डिजाइनर आप कहलाए जाएंगे, यही कहलाए जाएंगे। उसके बाद आप अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें, तो फैशन इंडस्ट्री में ग्राफिक डिजाइनर का बहुत स्कोप है, वहां तो काम चल ही नहीं सकता, वहां तो चल ही नहीं सकता। जैसे कि आप देखिए कितने इवेंट्स होते हैं, इतने फैशन वीक्स होते हैं, उसमें आप जैसे ही आप एंटर करो, आपको एडवर्टाइजमेंट और जितने भी बैनर्स हैं सब आपको दिखना। मैंने एक फैशन वीक अटेंड किया, जैसे कि मैं आप एंटर करो, आप देखो लेफ्ट साइड से बैनर स्टार्ट हुए उनके, ठीक है, पूरा प्रमोशन के लिए। आपने देखा जैसे आजकल एक थीम बना दी जाती है हर एक इवेंट की, तो उस थीम को पूरी ऑडियंस तक डायरेक्टली अच्छे से पहुंचाने के लिए जो बेसिक मीडियम्स हैं वो बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, और पोस्ट सोशल मीडिया कह लीजिए आप, तो उन सबको डिजाइन कौन करता है, वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर का ही काम है। आपने तो मतलब खाए हुए हैं आप लोग तो। तो आप ले लीजिए हर इवेंट को प्रमोशन, प्रमोशन जहां भी आएगा वहां ग्राफिक डिजाइनर आएगा ही आएगा। जी जी, अब उसके साथ अगर हम स्टेशनरी की बात करें, अच्छा जी, जैसे प्रोफेशनल स्टेशनरी अगर हम कही जाए, अगर कॉरपोरेट सेक्टर में अगर हम देखें जी, तो आप कह लीजिए आप
अंदर किसी ब्रांड में जाएं, हाँ? देखे किसी कंपनी में, वो आपको विजिटिंग कार्ड्स देते हैं अपने, हाँ? बिजनेस कार्ड्स देते, हाँ? हैं, वो भी एक ग्राफिक डिजाइन का पार्ट है। ये आ जाता है प्रोफेशनल स्टेशनरी में, okay. जैसे कि स्टेशनरी में आपका आ गया बिजनेस कार्ड्स हो गए, देन आपने देखा कि ब्रांड्स पेंसिल्स ले लीजिए, पेन्स ले लीजिए, पैकेजिंग्स ले लीजिए, सब अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग सब कस्टमाइज करवाने लग गए, आपको पता ही है जैसे। तो ये सब भी बिल्कुल ग्राफिक डिजाइन का ही पार्ट है, एक बहुत बड़ा हिस्सा। ओके, तो इस फील्ड के लिए स्कोप तो बहुत है, आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है भैया, आपने जो इतने विस्तार से ये सब कुछ समझा दिया हमारे श्रोताओं को, जिनको भी लगेगा कि हमारे अंदर भी ये स्किल्स हैं, हम कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स, और इतना बड़ा स्कोप है, तो अब आपको कॉम्पिटिशन बहुत होने वाला है। जी बिल्कुल, कॉम्पिटिशन पहले ही काफी है, अब और हो जाएगा। आपने क्यों समझाया इतनी अच्छी तरह? जी कॉम्पिटिशन तो आप देखो हर फील्ड में रहता ही है। बिल्कुल, और इसमें जो हेल्दी कंपटीशन होता है वो बेटर से बेस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। जी, और आपको सीखने को बहुत मिलता है। बिल्कुल सही आप बात है। सबसे बड़ी जीतना ना जीतना कंपटीशन में, हाँ, आप कह लीजिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट आप सीखते बहुत हैं इस फील्ड के अंदर, रोज आपको सीखने का मौका मिलता है। आप कहीं भी जाए, कह लो कि ग्राफिक डिजाइन, आप रोड पे ही अगर मैं कहूँ कोई इंसान खड़ा है और आप घूम के एक तरफ यूं नजर घुमाए, आपको हर जगह ग्राफिक्स दिखेंगे ही दिखेंगे, चाहे पोस्टर्स हो, बैनर्स हो, कोई आपके, मैं कहूँ आप एक पेन भी खरीद के लाते हैं अगर, तो उसके ऊपर जो स्टिकर्स होते हैं, हाँ, वो भी सब एक ग्राफिक डिजाइनर का काम है। अरे बाबा, इतना तो कभी डिटेल में हमने कभी सोचा ही नहीं था। जी, अब पैकेजिंग की बात कर लीजिए, पैकेजिंग कितनी आजकल अपीलिंग मिलती है, कि डिजाइनर बॉक्सेस कितने सारे देखे आपने, वेडिंग कार्ड्स देखे आपने, वो भी एक डिजाइनर का ही ग्राफिक डिजाइन में, कोई आगे इस फील्ड में जाना चाहे इस फील्ड में भी जा सकते हैं वेडिंग कार्ड्स में। जी मतलब आप डिजाइन करेंगे, आप अपने बिना हमारी शादियां भी नहीं होने देंगे। जी, और प्लेसमेंट की तरफ अगर हम बढ़ें, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है, दो मिनट बाकी बच रहे हैं अभी। जी, तो प्लेसमेंट का भी वैसे तो आपने बताया हमें कि इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी बहुत स्कोप है, हॉलीवुड तक आप पहुंच गई थी, लेकिन एक रफ सा आइडिया दे दीजिए कि अगर मतलब शुरुआत हो, कोई अगर अपना ही काम शुरू करना चाहे तो कितनी तक अर्निंग हो सकती है, और कहीं जॉब करना चाहे तो कहाँ से स्टार्टिंग हो सकती है, फिर कहाँ तक जा सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं यही प्रेफर करती हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग करिए, आपने कोर्स कंप्लीट करा है, आप उसके बाद एक बार इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जरूर लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं आप जॉब जरूर कीजिए। जॉब करनी बहुत जरूरी है, आपको इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स, उनके तरीके काम करने की, आगे जो जो नीड्स होती हैं, आपको सब अच्छे से समझ आती हैं। आप उसमें थोड़े टाइम, 2 to 3 years आप, मैं कहूंगी आप मिनिमम, कम से कम, कम से कम एक किसी ब्रांड और कंपनी में ज्वाइन कीजिए, वहां पे सीखिए, तरीके देखिए कैसे काम होता है, एंड देन उसके बाद आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं कहना चाहूँ, तो अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं कहीं पे, तो आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी 25,000 तक होती है। ठीक है, आप आगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे जूनियर डिजाइनर टू सीनियर डिजाइनर, सीनियर डिजाइनर से मेन डिजाइनर जैसे हम कहते हैं, तो 40-45 तक यू कैन अर्न इजिली अर्न। आप इसमें अर्निंग्स भी मैं बताऊं कैसी है, अगर आप एक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं, रोज रेगुलर जॉब है, आप उसमें एक परफेक्ट अमाउंट अर्न कर रहे हैं, सपोजिंगली 40-45,000, आप उसके साथ साथ अपना फ्रीलांस भी कर सकते हैं। ओके, फ्रीलांस ऐसे कर सकते हैं, आप प्रोफेशनल है, आपकी स्किल है, एंड गुडविल बहुत मैटर करती है, गुडविल एंड आपका पोर्टफोलियो, जो आपका काम है वो दिखना भी चाहिए। आप काम करके उसको सिर्फ फाइल्स में बंद करके घर नहीं रख सकते, तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको अपना प्रमोशन भी करना पड़ेगा। जी जी, तो इस तरह मतलब अगर चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है इसमें। और जैसा कि हमने कहा कि अगर आपकी बातों से हमारे ऑडियंस, हमारी लिसनर्स अगर कन्विंस हो गए होंगे, तो आपके लिए तो कंपटीशन पक्का है। हालांकि हम नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हम इम्प्रेस बहुत हुए हैं, क्योंकि अगर हम चले गए तो हमारे साथ आप जैसी और कई प्रिया होंगी जिनसे हम बात करना चाहेंगे। चलिए, तो श्रोताओं, इसके साथ ही आज के लेट्स कनेक्ट कार्यक्रम से नईम अख्तर अभी आपसे इजाजत चाहती है। जाने से पहले प्रिया लांबा, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और श्रोताओं से बस इतना ही कहेंगे कि हर रोज सुनते रहिए इसी कार्यक्रम को 12:10 से 1 बजे तक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के YouTube चैनल पर।
लेट्स कनेक्ट। महिलाओं का महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए कार्यक्रम, अंतरिक्ष से खेलों की दुनिया तक, दार्शनिकता से फिल्मी चमक दमक तक, मानव सेवा से मानव रक्षा तक, खास से आम महिला तक, और भी बहुत कुछ, यानी महिला संबंधी हर विषय को खुद में समेटे ये लाइव कार्यक्रम आपसे सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर, हर दोपहर 12:10 से 1 तक। YouTube पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के इस कार्यक्रम के लिए टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल। इसका रिकॉर्डेड वर्जन सुनने के लिए किसी भी समय टाइप कीजिए AIR न्यूज ऑफिशियल लेट्स कनेक्ट। तो कीजिए खुद को कनेक्ट लेट्स कनेक्ट से।